हेलो फ्रेंड, आज ये स्नेक का कलर करूँगा जो कि आप देख सकते हैं ये प्रिंटर पेपर पे बना है, जिसके कारण ये वाटर को ऑब्जर्व नहीं करेगा और इस पर मैं बहुत हल्के कलर का यूज करूँगा पहला लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर मैं डार्क करूँगा और इसी प्रकार से मैं करूँगा। आप चाहे तो A4 साइज़ का आप मोटा पेपर लीजिएगा, और कलर प्रिंटर पेपर पे नहीं होता वैसे मैं रिवीजन के लिए कर रहा हूँ, हमारे पास पेपर नहीं था तो जिसके कारण मैं प्रिंटर पेपर पे कलर को चेक करने के लिए मैं कलर कर रहा हूँ। इसमें मैं एक लेयर ग्रीन का, उसके बाद डार्क ग्रीन करके ऐसी प्रकार करते हुए पूरा स्नेक को कलर करूँगा। तो अभी मैं ग्रीन कलर कर दिया हूँ डार्क ग्रीन, उसके साइड से इसके एक ऊपर लेयर चढ़ाऊँगा और पेपर पतला होने के कारण ये डैमेज हो जा रहा है, जल के कारण इसमें बुलबुले की तरह फूल जा रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग प्रिंटर पेपर का यूज ना करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं म्यूजिक प्ले कर दे रहा हूँ, म्यूजिक के साथ आप देखिए और जहाँ पर हमको लगेगा कि बताना है तो वहाँ पर मैं बता दूँगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कलर मैं बता दिया हूँ, इसमें ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन और ब्लैक, यही तीन कलर यूज होके बनेगा। तो इसके बाद मैं डार्क ग्रीन यूज करूँगा और उसके बाद ब्लैक से शेडो करूँगा, ये आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ और म्यूजिक प्ले कर दूँगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और नहीं करते तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और म्यूजिक के साथ वीडियो में बने रहिए।